अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 4, 3, 2 सब करा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियोस देखिएगा। ये बिल्कुल 2024 का न्यू सिलेबस है। आइए हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इस चैप्टर किस चीज़ के बारे में। जैसे कि इसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। यू नो दैट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूट, पहले नाम है हमारी यू नो दैट द स्क्वायर द एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूट। स्क्वायर जो एरिया होता है इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं साइड इनटू साइड, जो दो हमें साइड दी हुई होती है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करके उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके चैप्टर में आने वाले हैं। हम स्क्वायर रूट समझ लेते हैं क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, जो एक संख्या होती है उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो हमारा स्क्वायर होता है। जैसे 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 2 को हम 2 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 का रूट 2। इसी तरह 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2 मानी जाएगी, क्योंकि 3 × 3 रह जाएगा, तो इसका रूट 9 का रूट हो जाएगा 3। इसी तरह 25 का रूट हो जाएगा 5। ए स्क्वायर a × a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये रूट हो जाएगा इस नंबर का। कुछ रूल्स हमें दिए गए हैं इसको पहचानने के लिए, समझने के लिए। इससे है 1, 4, 5, 6, 9। ये जो डिजिट हैं ये स्क्वायर रूट्स हैं, यानी यही स्क्वायर रूट्स में आएंगे। इसके अलावा 0 या 4, 2, 3 ये स्क्वायर रूट्स में नहीं आएंगे लास्ट डिजिट में। देख सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर हमारा 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 6 है, 5 का 25, 6, 36 एंड सो ऑन। तो इन सब में क्या आ रहा है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 4, 9, यही नंबर आ रहे हैं, यही स्क्वायर्स होते हैं। तो ये इनकी पहचान है, अगर इस तरह के नंबर नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं होंगे। ये याद रखने की बात है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें बताया गया है कि जब कोई नंबर 0 के साथ हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर वो सिंगल 0 है तो वो 0 डबल हो जाएंगे, और उसकी जो हमें डिजिट दे रखी होगी उसका जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 20 है, जो 20 है तो सिंगल 0 है, डबल 0 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 है तो वो 4 आ जाएगा। बहुत ही 0 वाले नंबर्स का स्क्वायर बताना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। बस इसी तरह 80 का देखिए, 2 0 आ जाएंगे एंड 8 का रूट हमारा, 8 का स्क्वायर हमारा 64, तो 6400 में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट्स। इसी तरह सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्सिक्यूटिव कौन से नंबर होते हैं जो एक के बाद आते हैं, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। जैसे 3 × 3 हमारा 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर में प्लस 1 करेंगे हम तो सेकंड अगला नंबर हो जाएगा, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, और 3 स्क्वायर में माइनस 1 करेंगे तो वो इससे पहले वाला नंबर हो जाएगा, द फर्स्ट नंबर, द लास्ट नंबर इसको कह सकते हैं हम। तो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड इस चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरह से सॉल्व होते हैं। आइए बढ़ते हैं इस पहली एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। तो जो यूनिट डिजिट है इन नंबर्स की, इसका स्क्वायर क्या होगा। यूनिट डिजिट यानी इकाई वाला नंबर, जैसे ये 81 लिखा है, इसका यूनिट डिजिट 1 है। 1 का स्क्वायर क्या है, 1 × 1 = 1। देन ये हमारा नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, क्योंकि ये सिंपल नंबर सिंगल नंबर है तो सिंगल ही रहेगा इसका। जब डबल आएगा जब उसकी यूनिट डिजिट हम देखेंगे, ये नंबर्स है। अच्छा, इनके नंबर्स निकालेंगे कि इनका यूनिट डिजिट, फ़िलहाल ये तो बहुत सिंपल है लेकिन निकालते कैसे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसका हमारा यूनिट डिजिट 9 है, 9 × 9 करेंगे 81 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो यहाँ पर ये आंसर हमारा 1 में आएगा। इसी तरह इसका 3 है तो 3 × 3, और 3 × 3 = 9 हो गया, 9 इसका नंबर आ गया, एंड 4 का हो गया, 4 × 4 = 16, 16 का 6 यहाँ यूनिट डिजिट। इसी तरह ये एक नंबर है हमारा, इसका लास्ट नंबर 7 है, 7 × 7 = 49, यूनिट डिजिट 9।
एट 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 इंटू एट 64, 64 का रूट हमारा 8 स्क्वायर हो जाता है, तो ये 4 आ गया। अब ये 0 है, 0 का कोई रूट कोई स्क्वायर कुछ नहीं होता, 0 ही रहता है। 6 का 6, 6 सा 36, 6 इसका यूनिट डिजिट। 5 सा 25, देन 5, अच्छा 5 का देखिए, 5 का यूनिट डिजिट 5 ही आया, 6 का 6 ही आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बेसिक चैप्टर है आपके क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो फ्यूचर में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएंगे। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हमें बताना है कि कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा इसमें, अभी मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 1, 4, 5, 6 या 9 इनमें से संख्या हो सकती है, और जिसमें इस तरह की संख्या नहीं होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि इसकी यूनिट डिजिट हमारी 7 है, तो बिकॉज यूनिट डिजिट इज़ नॉट परफेक्ट रूट, तो ये इसका स्क्वायर नहीं होगा, इसका नहीं होगा। ये इसकी 3 है, 8 है, 2, 0, 2, 0, 0, तो ये सब जो है, ये सारे नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इनकी यूनिट डिजिट वो डिजिट नहीं है जो हमें बताई गई है। इसमें सेम यही बात पूरी लाइन्स में लिखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनमें से कौन सा ऐसे स्क्वायर हैं जिसमें ऑड नंबर्स के, जिसमें ऑड नंबर होने वाला है। स्क्वायर रूट ऑफ एन, स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, एंड द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। जब हम स्क्वायर कोई नंबर है वो अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड आएगा, और अगर वो इवन है तो इसका नंबर स्क्वायर भी हमारा इवन में आएगा। जैसे 2, 2 ज़ा 4 इवन हो गया, 3, 3 ज़ा 9 ऑड हो गया, इसी तरह इसमें जो ऑड है उनका जो रूट आएगा, स्क्वायर आएगा, वो हमेशा ऑड में आएगा। जैसे ये नंबर ऑड में है, ये वाला नंबर ऑड में है, तो इनका जो स्क्वायर आएगा वो ऑड में ही आएगा और इनका इवन में आएगा, क्योंकि इसमें 6 है एंड 4 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ये पैटर्न को देखते हुए हमें मिसिंग डिजिट जो है हमारे वो पता करने हैं। जैसे ये हमें दे रखा है 11 स्क्वायर का, 121 का स्क्वायर 11 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच में 2 ऐड कर दिया, फिर ये नंबर आया, इसके बीच में 2 ऐड कर दिया, 10 इधर और 10 इधर, फिर यहाँ पे 20 हैं तो फिर बीच में 2 ऐड करके 20 इधर, 20 इधर, यहाँ पे 40 हैं तो फिर यहाँ बीच में 2 ऐड करके 40 इधर, 40 इधर, एंड इसी तरह इसमें करना है। तो ये एक पैटर्न चलता आ रहा है, इसमें कुछ भी आपको इस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पैटर्न समझ के हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड अप्लाई द सप्लाई द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें भी ये पीछे वाले की तरह है, इसी तरह हमारा ये वाला दे रखा था, इसमें हमने मिसिंग नंबर को ढूंढ लिया जी। देखिए इसका स्क्वायर हम करेंगे तो यही आंसर आएगा जो इसमें दे रखा है। तो 1 के साथ 0, इसमें 1 के साथ 0, इसमें 2 के साथ 0, 3 के साथ 0, 4 के साथ 0 आ जाएगा, एंड देन वापस 3 के साथ 0 एंड 2 के साथ 0, 1। तो ये उल्टा पैटर्न चल गया, इसमें भी सेम हमने यही करा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यूजिंग द गिविंग पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ये पैटर्न देख के हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, वो मिसिंग नंबर कोई सा भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है। 1 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड फिर से 2 का स्क्वायर, तो 1 1 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, एंड 2 2 ज़ा फिर से 4 हो गया, तो 4 4 8 हो गया, और यहाँ वाला 1 मिला के हमने 9 आ गया आंसर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 3। इसी तरह इनको प्लस करा हमने स्क्वायर के साथ, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 13 हो गया, फिर 6 3 ज़ा 36 हो गया, 13 and 36, इनका टोटल हो गया 49, 49 का स्क्वायर हो जाता है 7 7 स्क्वायर। इसी तरह हमने इनको प्लस करा और यहाँ पर अपना स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ पर स्क्वायर ये वाला डिजिट मिसिंग है, ये वाला हमें दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे इसका स्क्वायर और इसमें प्लस करके कौन सा नंबर आ रहा है, माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व किया। देखिए 4 का स्क्वायर 16 है, देन 5 का स्क्वायर 25 है, 20 का स्क्वायर अगर हम 400 करते हैं तो हमारा ये वाला नंबर आता है 441, और इसका स्क्वायर क्या है 21। ये एलसीएम करके मैंने निकाला है, एलसीएम करना आप जानते ही होंगे, लास्ट क्लासेस में भी एलसीएम किया हुआ है हमने।
देन हमें दे रखा है 5 स्क्वायर, ये मिसिंग था फिर 30 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कर दिया, 30 स्क्वायर कर दिया, 9 आ गया हमारा, ये नंबर हमारे पास आ गए। अब हमने इसको प्लस करा तो इसमें अगर हम 36 प्लस करते हैं तो हमारा 91 आ गया। दो तीन आपको प्लस करके देखने पड़ेंगे जब आपको करेक्ट आंसर की तरफ आप बढ़ेंगे। इसी तरह ये लास्ट वाला ऑप्शन भी इसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, वैसे ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम नॉर्मली इसको अपनी उंगलियों पर प्लस कर लेते हैं, हम देखते हैं इसका प्लस क्या आया। जो नंबर आता है वो उसका स्क्वायर हमें पता ही होना चाहिए, कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल नंबर्स हैं इसका स्क्वायर। सारे स्क्वायर मैंने आपको पीछे बताए हुए हैं, 25 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10 एंड 12 का स्क्वायर हमारे पास 144। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो 7 ऑड नंबर को प्लस करके हमें 49 बनाने हैं। तो यहाँ पर हम ऑड नंबर ले लेंगे सारे, स्टार्टिंग है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, इन सबको हमने प्लस करा, 49 आ गया। 49 का स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब 121 को भी हमें ऐसे ही 11 ऑड नंबर से प्लस करना है। तो अगर हम 1 से लेके 13 तक के ऑड नंबर्स को प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 121, और ये किसका इसका स्क्वायर होता है, ये 11 का। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाउ मैनी नंबर लाए बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो स्क्वायर ये हमारे 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर्स लाए करें, यानी इनका डिफरेंट कितना है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 144, अभी यहाँ पर भी देखा जा सकता है, एंड 13 का स्क्वायर आएगा हमारा 169। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 24 ही आने वाला है। लेकिन इसको करना कैसे है शॉर्ट ट्रिक से वो मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल, हमें इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसका एक फॉर्मूला है कि जो दो नंबर होंगे उसको हम आपस में प्लस करेंगे और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। 12 और 13 को हमने प्लस किया 25 आ गया, 1 को माइनस कर दिया हमारा आंसर आया 24। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 24। कितने नंबर्स इनके बीच लाए करेंगे, 24। इसी तरह दे रखा है 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, तो इन दोनों को भी हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 51, 51 से हम 1 माइनस करेंगे आएगा 50, यही इसका आंसर। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। फिर हमारा 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, तो 99 और 100 को प्लस करा हमने, 199 आ गया, माइनस करा तो 198 आ गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू, बाय बाय।